जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के पसीने छुड़वा दिए, होश उड़ा दिए, इसलिए कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिम्बाब्वे इतना जबरदस्त मैच खेल जाएंगे, क्योंकि रिंग रस्टी है, इंटरनेशनल सर्किट में उनकी बारी नहीं आती है, घरेलू इनके हालात जो हैं क्रिकेट के हिसाब से वो बहुत ही इफ़ी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मगर यहाँ पे आए हैं, एक स्पिरिटेड परफॉर्मेंस पहले वनडे में दी है और पाकिस्तान को एक तरह से जोल्ट मिला होगा, इसलिए कि ये मैच हाथ से निकल सकता था। वो तो बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी की, इन दी एंड के ओवर्स बचा लिए शाहीन शाह अफरीदी और वहाब रियाज के, और एक ने 5 दूसरे ने 4 विकेट्स लिए और इनको निजात दिलवाई जिम्बाब्वे से, मगर 2-3 जगह पे पाकिस्तान को रीथिंक और रीविजिट करने की जरूरत है। एक तो सिलेक्शन के ऊपर बात इसलिए जरूरी है कि आपको नए लड़कों को चांस देना है, और नए लड़के ऐसे नहीं है कि फॉर द हेक ऑफ इट आप चांस देंगे, क्योंकि उनमें पोटेंशियल है। मैं जब बात करता हूँ खुश दिल की, मैं जब बात करता हूँ आपके अब्दुल्ला शफीक की, जब मैं बात करता हूँ हैदर अली की, तो इनके पास इतना जखीरा है टैलेंट का कि ये आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकते हैं, और अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ घर में नहीं खिलाएंगे तो फिर कहाँ पे खिलाएंगे। सो बैटिंग जो थी, प्रॉब्लम्स इसलिए थे कि स्टार्ट्स मिले बल्लेबाजों को और स्टार्ट्स के साथ कुछ कर नहीं सके, पेस स्लो थी और बैट आउट नहीं किया जिम्बाब्वे को। टॉस जीतने के बाद तो कोशिश पाकिस्तान की यही होनी चाहिए थी ऐसे बोलिंग अटैक के खिलाफ कि 350 का टारगेट जो है जहन में रख के बैटिंग करते, मगर बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स, इनफैक्ट कोई 25-26 ओवर्स के डॉट बॉल्स खेला पाकिस्तान 50 ओवर्स की इनिंग्स में। सो यहाँ पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। बॉलिंग जो है खासतौर पर फहीम अशरफ की, उसमें और निखार आना है। पहले तो जो खिलाया है फहीम को, उनकी जो पास रिकॉर्ड है वो इतना कुछ खास है नहीं। सो अनलेस के बाबर आजम समझ रहे हैं कि हमें एक ऑलराउंडर की जरूरत है जो कि लिंक हो सकता है बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग, तो उस नजरिए से इनको खिलाया है, मगर रिकॉर्ड और फॉर्म अच्छी नहीं है। बहुत रन्स दिए इन्होंने, इसी तरह से हारिस रऊफ ने भी बहुत रन्स दे दिए, विकेट्स मिली नहीं इनको, जिससे कि प्रेशर पड़ गया बेइंतहा शाहीन पे और वहाब पे। सो ये चंद चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान को बहुत गौर व फिक्र करनी है, मगर जीत जीत होती है। पहला अपना वनडे मैच में कप्तानी कर रहे थे बाबर आजम और एंड में होश इनके इंटैक्ट रहे और अच्छी कप्तानी कर गए, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन था वहाब और शाहीन का वो इन्होंने संभाल के रखा हुआ था, जब क्रंच मोमेंट्स आए तो फिर उन्होंने विकेट्स लिए और कप्तान को कंट्रोल भी दिया। बारकैफ उम्मीद यही है कि नए लड़के खिलाए जाएंगे और जिनको स्टार्ट्स मिलता है बल्ले के साथ पाकिस्तानी बैट्समैनों को, वो स्टार्ट को कुछ ना कुछ कन्वर्ट करें इनटू सब्सटेंशियल इनिंग्स।